हमारा प्रिय मित्रों, सुबह संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। ये शो के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आंख उसके तरफ लगाऊंगा। सलीब झंडा है आज यीशु मेरा मौजी मसलूब। आज का संदेश प्रफुल्ल दास ओएम मैथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पिछले सप्ताह हम रोमियों का किताब 14वां अध्याय से अपने भाइयों पर दोष मत लगाओ इस विषय पर विचार कर रहा था। इस विषय में और कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आज का मनन के लिए वही अध्याय रोमियों का किताब 14वां अध्याय का 10वां पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। 10वां पद में इसी प्रकार लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सबके सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होगा, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन का सामान्य की हरेक घुटना मेरे सामने टेकेगा और हरेक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेंगे। इसलिए हम में से हरेक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इस भाग में पौलुस ने और जोर देकर के बता रहा है, क्यों हम दूसरे भाइयों पर दोष नहीं लगाना है। हम भी परमेश्वर का है और दूसरे भाई भी परमेश्वर का है। मेरे ऊपर भी मुझे अधिकार नहीं और दूसरे भाई के ऊपर भी मुझे अधिकार नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना लहू बहा करके मुझे और अपना भाई को खरीदा है। प्रभु को दो प्रकार हमारे ऊपर अधिकार है। पहला है, हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर में सब कुछ बनाने के बाद मनुष्य को अपना स्वरूप में और अपना छाया में बनाया। परमेश्वर ने उसको रहने के लिए सुविधा बनाया। पूर्व में अदन का बगीचा में एक सुंदर रहने का जगह तैयार किया, खाने पीने का व्यवस्था किया, उसको सबके ऊपर अधिकार करने के लिए, राज्य करने के लिए अधिकार दिया। परमेश्वर ने रोज उनके साथ आकर संगति करता था। मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उनको जीवन साथी दिया और साथ साथ परमेश्वर ने कुछ जिम्मेवारी भी दिया कि इस बगीचा का देखभाल करना। परमेश्वर का पहला अधिकार है वो सृष्टिकर्ता के रूप में, क्योंकि वो मुझे और आपको बनाया। लेकिन बाद में हमें मालूम है परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करके, नहीं तो दूसरे शब्दों में कहा जाए, परमेश्वर का वचन पर अविश्वास करके शैतान का वचन पर विश्वास किया, जिसका परिणाम क्या हो गया, मनुष्य परमेश्वर से दूर चले गया। जो भी मनुष्य आज जन्म लिया है वो पापी है, वही बाइबल बताता है। पापी मनुष्य अनंत काल का सजा भोगना पड़ता है, आग का झील जो नरक कहते हैं उसमें डाल दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर प्रेमी है, करुणामय, दयालु है, साथ साथ धर्मी भी है। इसलिए धर्मी परमेश्वर मुझे और आपको अपना धार्मिकता के अनुसार बचाने के लिए
खुद मनुष्य का रूप धारण करके आया, इस संसार में आकर 35.5 साल अपना जीवन बिताया, इसके बाद सारा मानव जाति के लिए अपना जान दे दिया। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हरेक मनुष्य का पाप क्षमा हुआ है। जो भी मनुष्य यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, रोमियों का किताब 10:9 के अनुसार यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करे और विश्वास करे कि यीशु मसीह मरे हों से जी उठा, वो निश्चय परमेश्वर का संतान बन जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएंगे। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। सो इसी प्रकार यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ विश्वासियों को पौलुस ने इस पत्रिका लिखा है, और पौलुस ने बता रहा मेरा ऊपर और दूसरे भाई के ऊपर प्रभु को अधिकार है। इसलिए बाइबल जो पहला पद में हम लोग देखे 14वां अध्याय में, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। उसका शंकाओं पर विवाद करने के लिए उनको संगति में नहीं लेना, लेकिन उनका जो भी जो विश्वास का निर्बलता समझते हुए उन्हें साथ में लेना है। लेकिन एक बात समझना चाहिए, मुझे उनके ऊपर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग साग पत्ता खाता है, कुछ लोग मीट मछली खाता है, वो उनका ऊपर है, और जो वो कड़े हैं और गिरते हैं सब प्रभु के लिए हैं, वही बाइबल बताता है। अभी 10वां पद में क्लियरली बताता है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सबके साथ परमेश्वर के न्यायिक के सिंहासन के सामने खड़ा होना। एक बात जानना है, इस मसीह जीवन में, इस मसीह दौड़ में एक बात समझना चाहिए, हमको एक दिन प्रभु का न्यायिक के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। वहाँ न्यायिक करके नरक में भेजने वाला नहीं है। नरक में भेजने वाला जो न्याय, जो वही थ्रोन जजमेंट कहता है, उसी के सामने ही जो जज करके नरक में आग का झील में डाल दिया जाएगा, श्वेत सिंहासन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो प्रभु में आने के बाद हमारा जीवन है, उसके अनुसार हमको प्रतिबल बांटा जाएगा। प्यारे भाइयों, उसमें करोड़ों करोड़ों विश्वासियों के सामने हमारा जीवन का लेखा देना पड़ता है। वहाँ पर हम प्रभु का संतान है, लेकिन कई लोग लज्जित होता है, क्योंकि अपना जो मसीह जीवन में वो काफ़ी गलतियाँ करते हुए जीवन बिताया। इसलिए बाइबल बताता है, आप अपने भाई पर दोष नहीं लगाना। वो यीशु मसीह के लघु से खरीदा है, यीशु मसीह का संपत्ति है, इसलिए मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब प्रभु का सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होना है, और हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। ये विचार हमारे अंदर में आने पाए, परमेश्वर का भय हमारे अंदर में आने पाए, ताकि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार एक अच्छा मसीह जीवन बिताए। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमेन।